ये प्रेस वार्ता में हमारे जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भाई वकार जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भाई मनोज जी और हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन सीनियर लीडर हमारे शर्मा जी और आप सभी हमारे मीडिया के साथियों, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी के दरमियान दो मुद्दों पर आपसे हम बात करने के लिए आपको हमने आमंत्रित किया है। एक जो हालात है कश्मीर में, जम्मू में, जो टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ी है, बहुत चिंता का विषय है। पूरा देश देख रहा, पर उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे जम्मू कश्मीर की जनता है, हमारे जम्मू कश्मीर के जवान और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की है, हमारे विलेज डिफेंस के लोग हैं, उन सब की है। आपने, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि पिछले 78 दिनों में 11 अटैक्स हुए और 2021 से 48 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए हैं जम्मू डिवीजन। वो आपको मालूम है कि 28 अप्रैल को उधमपुर में हुआ, वहां एक हमारा वीडीजी मारा गया, शहीद हुआ। 4 मई को पूंछ में एक एयरफोर्स ऑफिसर, पूरी डिटेल आपके पास है, पूरे देश के लोगों के पास है। देखिए, ये महान देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट जम्मू कश्मीर, जिसमें इतने सारे लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री, डिफेंस के, सिक्योरिटी के, विलेज डिफेंस कमिटी के मेंबर और सिविलियन पिलग्रिमेज, जो भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, वो भी शहीद हुए। पर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि न तो प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में कोई ट्वीट किया, अपना दुख व्यक्त किया, न होम मिनिस्टर ने किया, न तो देश के डिफेंस मिनिस्टर ने किया। हमारे नेता और अभी जो हमारे एलओपी हैं, राहुल जी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता की चिंता की, और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में सरकार नहीं चाहती थी कि वो जम्मू कश्मीर में आए, फिर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो की बात करने के लिए
दूर दूर तक पहुंचे और गए। मैं उन शहीदों को सैल्यूट करता हूं, हमारी पार्टी सैल्यूट करती है, हमारे कार्यकर्ता सैल्यूट करते हैं, और उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनके प्रति हमारी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। हम उनके दर्द में उनके साथ हैं। और ये जो भी एरिया में अभी हो रहा है, पुंछ, रजौरी, डोडा, रियासी, उधमपुर, कठुआ, कश्मीर में भी हुआ, कलगांव और बाकी जगह पर, और जो इंफॉर्मेशन और खास करके वो आपके मीडिया के द्वारा भी मिलती रहती है कि पूरा जम्मू में कहीं ना कहीं ये चेकअप चल रहा है, लग रहा है कि आज यहां होगा, कल वहां होगा, कुछ होने वाला है, ऐसी दहशत लोगों में है। हमारी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस लीड कर रही थी, उस गवर्नमेंट ने हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री और हमारे प्रधानमंत्री और हमारी नेता सोनिया जी, उन्होंने नॉर्मलसी आए, पीस रहे, जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, विकास हो, उसके बारे में बहुत चिंता की और बहुत अच्छा काम किया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो जीत गए, वो अपनी खुद की सरकार उन्होंने बनाई, और वो दावे कर रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर को डेवलप करेंगे, आगे ले जाएंगे और नॉर्मल सी बहाल करेंगे, सुख शांति लाएंगे। वो कर नहीं सके, ऊपर से धीरे धीरे टेररिज्म बढ़ता रहा, और 2019 में उन्होंने जब यूटी बना के ये बताना चाहा कि यूटी बना के एलजी के द्वारा एनफोर्स करके अंडर द गाइडेंस ऑफ होम मिनिस्ट्री जम्मू कश्मीर में वो शांति बहाल करेंगे, नॉर्मल सी बहाल करेंगे और जनता के लिए अच्छा काम करेंगे। पर हमने देखा कि 2014 के बाद बहुत सारे प्रश्न हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई से लेके यहाँ के लोगों के टैक्स स्ट्रक्चर और बाकी चीजों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। पर आज इन दो मुद्दों पर हम खास बात करना चाहते हैं, वो एक, यहाँ की शांति टूट रही है, डर भय का वातावरण पूरे जम्मू में है, और उसको ये गवर्नमेंट जो है वो रोक नहीं पा रही। यूटी बनने के बाद एलजी के पास इतने वाइड पावर्स हैं, जो मन चाहे वो कर सकते हैं, और वो एलिगेशन करते थे यूपीए सरकार पर कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, यूपीए की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, उनके हाथ बंधे हुए थे, और इसलिए टेररिज्म को रोक नहीं पा रहे थे, नॉर्मलसी नहीं ला रहे थे। अभी तो उनके पास 2014 के बाद 2019 में उनका यूटी भी हो गया, पूरी पावर उनके पास आ गई, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद भी बड़े ताज्जुब की बात है कि पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तब शांति थोड़ी बहुत हमने देखी, लेकिन अब क्यों हो रहा? जेन्युइनली ये सरकार चुनाव चाहती है, कराना चाहती है, लोगों को एम्पावर करना चाहती है, जनता को पावर देना चाहती है, तो वो बारे में बड़े डाउट इसलिए पैदा होते हैं दो तरीके से। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से चुनाव तो करना पड़ेगा, और हमेशा ये बात प्रस्तावित हुई है बरसों के अनुभव से पूरे दुनिया में कि जब भी
पीपल्स गवर्नमेंट आती है, लोगों की, जनता की सरकार आती है, तब शांति बहाल होने का चांस ज्यादा रहता है। जब भी मिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्स अकेले से करने से उसकी मदद डिक्टेटरियल स्टेप अगर ले गया तो मुझे लगता है कितना कर पा रहे हैं, ये अनुभव हम सबको हो रहा है। और 2014 से आज की ये जो स्थिति हुई है, मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जब चुनाव था तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब आ गए थे। अब एलजी का रूल बन गया, अब उन्होंने स्टेटहुड को खत्म करने के बाद एलजी का रूल जब चल रहा है तो ये नॉर्मलसी लाने, हाँ चुनाव आएंगे तो शायद आ सकते हैं। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के बारे में, उनकी जनता की भलाई के बारे में, उनकी शांति नॉर्मलसी के बारे में, उनके भविष्य के बारे में ये आज की केंद्र की सरकार, भाजपा की, एनडीए की सरकार क्या सच में कोई चिंतित है कि नहीं, ये सवाल सब लोगों के मन में हो रहा है। और सबसे बड़ी चिंता हमारे ये जो जवान मारे गए, पिलग्रिमेज मारे गए, हमारा वीडीजी मारा गया, ये सब, और हमारे जवान आखिर में उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी ये जम्मू कश्मीर और देश की जनता की सिक्योरिटी है, उनकी जान बचाना है, बॉर्डर सुरक्षित रखना है, तो अंत में तो ये जनता की लड़ाई है कि हम जनता को बचा पाते हैं कि नहीं। और जिस तरह के अटैक का भय आज पैदा हुआ है, मुझे लगता है कि पूरी जम्मू और कश्मीर की जनता भी इसमें बड़ी चिंतित हो गई है। तो ये सवाल टेररिस्ट एक्टिविटी से अल्टीमेटली जनता की भलाई का है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी चिंतित है, इसलिए हम इसके बारे में पूरा संकलन करके इसके बारे में हमारी लीडरशिप, हमारे राहुल जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, हमारी स्टेट लीडरशिप इसके बारे में चिंता के साथ सरकार से अपील करती है कि जल्द से जल्द ये एक्टिविटी को खत्म करे और खत्म करके शांति बहाल करे और चुनाव के लिए ठीक ठाक परिस्थिति पूरी करे। अब दूसरा जो इश्यू है, ये इश्यू है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा हालात ऐसे कर दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, डिलिमिटेशन किया, 90 सीट्स तय हुई, 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स तय किए, वो चाहते हैं कुछ भी करके एलजी द्वारा ये सरकार चलाए या तो नई चुनी हुई सरकार भी चलाए। लेकिन दिल्ली का एग्जाम्पल लोगों ने देखा है, पर ये तो लगता है पौडुचेरी से भी कमजोर सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी। जैसे कहते हैं ना, कोई म्यूनिसिपालिटी बन गई हो और उसके छुटमुट काम उसको दिए गए हो, ऐसी परिस्थिति ये एलजी के द्वारा लाना चाहते हैं। जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेज इसी तरह रूल करते थे और उसी तरह लोकल गवर्नमेंट लाने के लिए उस टाइम पे भी चुनाव 1932 में हुए थे, लेकिन उन सरकारों को कोई पावर ही नहीं था, कहे जाने के लिए तो सरकारें थी। उसी तरह अंग्रेजों की तरह मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में आज जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सीएम के पावर्स को काट दिया,
सीएम तो जनता से आएगा, इलेक्टेड मेंबर कहां से आएगा? जम्मू कश्मीर की जनता चुनेगी। तो जम्मू कश्मीर की जनता को पावर देने के बजाय उनके पावर छीन लिए गए हैं, स्टेटहुड छीन लिया गया है, और ये टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने का और ये ठीक नॉर्मल सी चलाने का और यहाँ लोगों के सवालों का जवाब, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे टैक्स स्ट्रक्चर हो, या कोई काम काज हो, महंगाई हो, वो इलेक्टेड पीपल्स गवर्नमेंट ओनली कैन डू। स्टेटहुड होगा तो ही ये ठीक से हो पाएगा। एक ही सॉल्यूशन है कि स्टेटहुड आए, और मुझे लगता है धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की जनता इस बारे में सीरियसली सोच रही है। ये लड़ाई अब स्टेटहुड के बारे में है, वो होगी चाहे चुनाव के बारे में, पर जनता का रुझान होगा वो स्टेटहुड कौन लाता है। सब मिल के लाते हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेस, सेक्युलर फोर्सेस कैसे मिल के लाते हैं इसके बारे में होगा। बाकी जो हालात कर दिए हैं चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, वो न ट्रांसफर कर सकेंगे, ना अपॉइंटमेंट एडवोकेट जनरल की या कोई फोरेंसिक लेबोरेटरी या फाइनेंशियल पावर, कुछ नहीं होगा। तो ये चुनाव किस काम का? और वायदे तो बड़े बड़े किए थे, पार्लियामेंट में किए थे, सुप्रीम कोर्ट में किए थे, यहाँ चुनाव में आए थे तब भी किए थे, और प्राइम मिनिस्टर ने किए थे खुद ने, बाकी लोगों ने किए थे कि हम यहाँ स्टेटहुड बहाल करेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता को हम खुश रखेंगे, आबादी आएगी। हमने जो कुछ भी डिसीजन लिया है 2014 के बाद, उसके बाद यहाँ के लोगों का फायदा होगा। तो मुझे लगता है अब लोग खुद जान गए हैं कि ये 2014 के बाद आई हुई सरकार ने उनके अधिकार तो छीन लिया, फंडामेंटल राइट्स को भी कमजोर कर दिया, डेमोक्रेटिक राइट्स को भी कमजोर कर दिया, और उनकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन को भी बड़ी खराब कर दी, और पूरे स्टेट एक बहुत अच्छा स्टेट था, और यही राय मुझे लगता है पूरी जनता की बन रही है, ऐसा हमारा मानना है। हमारे इंचार्ज फार्मर यूनियन मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर भारत सिंह सोलंकी जी ने आपको दोनों इश्यूज पे यहाँ पे तफसीलन बात की उन्होंने, जिसमें हमारे फौजी जवान जो शहीद हुए 2021 से लेके 24 तक 48 फौजी जवान जम्मू डिवीजन में शहीद हुए, जबकि यूपीए सरकार में ही 2014 से पहले जम्मू डिवीजन मिलिटेंसी से फ्री हो चुका था, और आज जम्मू डिवीजन के पूरे बाशिंदे परेशान है, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ क्या हो रहा है, कहां कहां मिलिटेंसी की प्रेजेंस है, और ये सरकार जो है बीजेपी सरकार, ये लोगों को सुरक्षा देने में फेल हो गई है, ये मिलिटेंसी को रोकने में फेल हो गई है, और इस फेलियर का जवाब इनको आगे आने वाले चुनाव में लोग देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है कि कल से दोनों मुद्दों पे, जो मुद्दा दूसरा यहाँ पे हमारे इंचार्ज सोलंकी साहब ने बताया, एक तो ये जो कंटिन्यूअसली टेरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और दूसरा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कंप्लीट पावर दिए गए, सारे पावर दिए कि आप चुनाव करो, चुनाव के बाद न एमएलए को पावर, न मिनिस्टर को पावर, न सीएम को पावर, कोई भी ट्रांसफर का पावर नहीं है, कोई डीसी एसपी वो अपॉइंट नहीं कर सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी वो अपॉइंट नहीं कर सकता है, कोई फाइनेंशियल पावर, जो भी पैसा रिलीज करना हो तो फाइल एलजी के पास जाएगी, हर एक पावर छीना गया। और जैसे कि हमारे सोलंकी साहब ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी जैसे पावर बना दिए हैं आने वाली सरकार, तो कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है कल से हम स्टेट लेवल पे से प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद असेंबली लेवल पे और ब्लॉक लेवल तक ये प्रोटेस्ट हम लेके जाएंगे। लोगों का इशू है, लोगों का मुद्दा है, हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो, यहाँ के लोग चैन और सुकून की जिंदगी गुजारे, यहाँ पे लोग
परेशानियों के से मुक्त हो, मिलिटेंसी की परेशानी से मुक्त हो। और यही लोग जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, पूरे इंडिया में पार्लियामेंट में ढोल बजाया और क्रेडिट खाने की कोशिश की कि हमने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया। क्या यही आतंकवाद उन्होंने खत्म किया है? अगर वो खत्म करते हम भी उनको मुबारकबाद देते, चलो आपसे ही खत्म हुआ, लेकिन क्रेडिट तब खाओ जब आप आतंकवाद यहां से खत्म करो। आपके टाइम में हमारे जवानों की जाने जाने जाया हो गई, आपके टाइम में हमारे लोग शहीद हो गए, हमारे फौजी शहीद हुए, और आज भी जगह जगह से इंफॉर्मेशन आती है जम्मू डिवीजन में कि मिलिटेंसी की मूवमेंट जो है कंटिन्यूअसली हर इलाके से हो रही है। क्यों नहीं यहां, अगर बीजेपी जैसे मोदी जी कहते थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को कि मनमोहन सिंह जी आपके पास आर्मी है, आपके पास सीआरपी है, आपके पास बीएसएफ है, आपके पास पुलिस है, उसके बाद भी एक घुसपैठी कहां से आ रहे हैं? वही सवाल मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, आपके पास फोर्स है और आपने जम्मू डिवीजन में दोबारा मिलिटेंसी को रिवाइव किया, क्या यही क्रेडिट आप पार्लियामेंट इलेक्शन में ढूंढ रहे थे? इसलिए मैं ये आज सरकार को कहना चाहता हूं, फौरन फौरन इस पे कोई ना कोई स्टेप उठाया जाए, जहां जहां भी टेरर एक्टिविटीज हो रही है वहां उनके ऊपर नकेल कसी जाए, और जो यहां पे पावर छीनी गई, इस स्टेट को बर्बाद करके रखा बीजेपी ने, ये वो हिस्टोरिकल स्टेट है जिसकी इंपॉर्टेंस नंबर वन होती थी पूरे इंडिया में, आज हमारी हमारे लोगों को बेइज्जत करके हमारी स्टेट छीनी गई। और आज एलजी रूल 2018 से गवर्नर रूल और 19 से लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चल रहा है। अब जब इनको पता चला कि इलेक्शन हो रहे हैं और हमारी शिकस्त पूरी तरह से उन आने वाले इलेक्शन में हो रही है, उन्होंने शिकस्त होने से पहले ही एलजी के पावर बढ़ाए और आने वाली गवर्नमेंट जो उनकी नहीं होगी बीजेपी की, उसके पावर जो है खत्म किए। इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे जाएगी, पूरा प्रोटेस्ट करेगी, हमारी स्टेट जो इन्होंने छीनी है, ये होते कौन थे हमारी स्टेट छीनने वाले? इन्होंने तो नहीं दी थी, बीजेपी ने तो नहीं दी थी, या इन्होंने दी होती हमें गिफ्ट में, चलो छीन लेते। ये स्टेट महाराजा के टाइम से हमें मिली थी और स्पेशल स्टेट वाली स्टेट थी। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी स्टेट हमको वापस मिलनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन हो और मिलिटेंसी पे पूरी नकेल कसी जानी चाहिए, जो फौजी जवानों की जिंदगियां जाया हो रही है उनके ऊपर जो है रोकथाम हो और मिलिटेंसी को यहां से खत्म किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। शुक्रिया।